मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। AIIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ में राजनीतिक सभा तो नहीं हो पाई, अलबत्ता वह अखाड़ा जरूर बन गई। जिस वक्त तंबू व लाउड स्पीकर कुर्सी लगाने का काम जोर शोर से चल रहा था, प्रशासन ने सभा की अनुमति से इनकार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि नौचंदी सभा स्थल के स्वामी से NOC नहीं ली गई है, लिहाजा अनुमति नहीं दी गई। वह अनुमति लाते तो अनुमति दी जा सकती है। उधर OVC के प्रतिनिधि मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि अनुमति के लिए जो भी औपचारिकताएं कही गई थी वे सभी पूरी कर दी गई थी। एन वक्त पर मैदान के मालिक की अनुमति का अड़ंगा लगा दिया गया, जबकि स्थल का स्वामित्व ही जिला प्रशासन के पास है। प्रशासन जानबूझकर उनकी रैली में अड़ंगा लगा रहा है, जो उचित नहीं है। इस तरह सभा होने से पहले ही तंबू उखड़ने शुरू हो गए। एक बात और यह है कि जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरठ के यदु होटल में OVC के इंतजार में समर्थक जुटे हैं। कश्मकश व अनिश्चितता के माहौल में OVC के समर्थक प्रशासन के इर्द गिर्द हिचकोले खा रहे हैं। बीती रात OVC के प्रतिनिधि मोहम्मद माजिद हुसैन ने यह जानकारी दी थी। मेरा नाम मोहम्मद माजिद हुसैन है, मैं साबिका मेयर हैदराबाद हूँ और OVC साहब की तरफ से मुझे यहाँ पे जिम्मेदार बनाया गया है। कल नौचंदी ग्राउंड में कल OVC साहब की सभा है, जिसकी परमिशन के लिए हमने करीबन 5 दिन पहले अप्लाई किया। हमें बताया गया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने पूरे उनके प्रशासन के डिमांड्स को पूरे करते हुए हम आगे बढ़े। अब जहाँ पे सभा को 24 घंटे भी बाकी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ग्राउंड की NOC लेके आए। ग्राउंड खुद प्रशासन के हाथ में है, ADM साहब, SDM साहब, DM साहब के अंडर में रहते हैं, DM साहब, SDM साहब, ADM साहब के। और ये लोग ये बैठ के हमसे कह रहे हैं कि NOC दो, देने वाले वो खुद हैं। अगर इनको किसी चीज़ का दबाव है या यहाँ पे जो लोकल समाजवादी के MLAs हैं या जो लोग हैं वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि OVC साहब की सभा ना हो, तो साफ तौर पे कह दें कि ये लोग दबाव में हैं, बहाने ना बनाएं। हमारी पार्टी का लगातार 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित समाज सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं और लगातार हम जनसभाएं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनसभा मेरठ सिटी में होनी थी, नौचंदी ग्राउंड में जो पहले से हमारी प्रस्तावित जनसभा थी, उसको कल रात में मेरठ प्रशासन ने रात को 12 बजे हमें बुला करके ये कहा कि आपको वहाँ पर जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित ज़मीन है और उस पर हम कभी भी कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जनसभा अब तक नहीं हुई है। हमने उनसे कहा कि सर 2017 में 14 अक्टूबर को उसी नौचंदी ग्राउंड में MIM पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको कागज़ दिखा दीजिए परमिशन की। हमने उन्हें परमिशन की कॉपी भी दिखाई 2017 वाली जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है। हम वहाँ 3 घंटे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और कहा कि अगर आप परमिशन करेंगे, अगर प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। वहीं आज SP सिटी विनीत भटनागर ने यह बताया। देखिए, ये कल 13 तारीख को एक जनसभा करने का इन्होंने जो है प्रोग्राम बनाया था और उसके लिए अनुमति की इन्होंने प्रार्थना करी थी, लेकिन उसमें ऐसा रहा कि इन्होंने जो भूमि का जो स्वामी है उनसे इन्होंने NOC नहीं ली उसके बारे में, जिसकी वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया कि जब उसकी NOC ही नहीं है तो वहाँ पर प्रशासन को अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है, उसमें भू स्वामी से लिखा जाता है। तो यही इनको लगा, इनको ऐसा लगा संभवतः कि प्रशासन ने जो है इनको समय से नहीं बताया,
लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनको समझाया बुझाया गया और इनके मन में सारी भावना क्लियर हो गई है। ये अब दूसरी कोई अल्टरनेटिव जगह देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उसके लिए, और हमने इनको आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है इनको कि उस जगह के बारे में ये जो अनुमति ले करके आए और हम नियमानुसार उसको पूरा कराने का प्रयास करें। सर ये सब आप कहाँ करने जा रहे थे? ये नौचंदी ग्राउंड में करने जा रहे थे। तो वहाँ पर मुझे नहीं खास वजह ना मिलने क्या रही है? मैंने आपको बताया ना पहले भी कि वो ज़मीन जो है वो किसी लीगल डिस्प्यूट में है, लिटिगेशन में है, जो दो अलग अलग संस्थान हैं जिनका क्लेम है, उन दोनों से ही इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो है उनसे एनओसी नहीं प्राप्त कर सके। उधर यड्रो होटल में ओबीसी के आने की सूचना से वहां समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।